Hello friends, welcome to my channel Sam's Creation 786. In today's video, I'm going to show you how you can create a 5-layer frock in a very easy and a simple way. So let's get started. So ये मैंने फ्रॉक का बेस ले लिया है नेट के मटेरियल में. So यहाँ पे मटेरियल को मैं 4 में फोल्ड करूँगी इस तरह से. ये कॉर्नर है. कॉर्नर से एग्जैक्ट 19 इंच के डिस्टेंस पे मैं मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से कर्व शेप में मैं मार्किंग कर लूँगी और अब मैं इसे कट कर लूँगी. यहाँ पे वेस्ट साइज में 30 इंच का ले रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे 7.5 इंच की मार्किंग कर लूँगी इस तरह से. हम इसे कट कर लेंगे. इस तरह से हमने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है और ये हमारे फ्रॉक का मेन मटेरियल है. ये मैंने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है. शाइनिंग मटेरियल है और हल्का स्ट्रेचेबल भी है. 1.5 मीटर में मेरी फ्रॉक इसलिए तैयार हो पाई है क्योंकि इसका जो पना था वो काफ़ी बड़ा था. इस तरह का देख लीजिए कितना बड़ा पना है इसका. कपड़े को मैंने लंबा फैला लिया है और यहाँ पे मैं पेटी की मार्किंग कर रही हूँ. 12 इंच की मैं मार्किंग लूँगी यहाँ पे. अब मैं इसे स्ट्रेट कट कर लूँगी. कट होने के बाद अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इससे मैं फ्लेयर के लिए पट्टियाँ कट कर लूँगी. यहाँ पे मैं 5.5 इंच की मार्किंग करूँगी इस तरह से और इस तरह से मैं यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करूँगी 5.5 इंच की डिस्टेंस पर इस तरह से और इसे स्ट्रेट ड्रॉ करके कट कर लूँगी. मैंने चारों पट्टियाँ कट कर ली है. अब मैं इस पट्टियों को जॉइन करूँगी. इस पट्टी को इससे जॉइन करूँगी. इस तरह से मैं सारी पट्टियों के जॉइंट्स जॉइन कर लूँगी. यहाँ पे जो मैंने फ्रॉक का बेस बनाया था राउंड सर्कल में इस तरह से ये मैं यहाँ से इसको एक कटिंग दे दूँगी साइड से. जो हमने पट्टियाँ कट करी थी उसे फ्रॉक के बेस पे इस तरह से अटैच करेंगे. इस तरह की प्लेट्स ले ली है मैंने छोटी छोटी सी और राउंड में मैं इसे अटैच कर लूँगी. हमारा फर्स्ट लेयर है. सेकेंड लेयर भी हम इसी तरह से प्लेट्स बना के रखेंगे लेकिन हम हमें क्या करना है फर्स्ट लेयर के नीचे इसको अटैच करना है यहाँ से. तो इस तरह से हम इसको यहाँ से रख के अटैच करेंगे. ये फर्स्ट लेयर के नीचे आना चाहिए इस तरह से. इस तरह से सारी पट्टियों को मैंने जॉइन कर लिया है. टोटल 5 लेयर्स का मैंने ये जॉइन किया है. 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 लेयर्स मैंने यहाँ पे अटैच किया है. तो हम यहाँ पे फ्रॉक की पेटी के लिए कपड़ा सेट कर लेंगे इस तरह से. टोटल यहाँ पे मैं 30 इंच का चेस्ट साइज रख रही हूँ तो 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा ले लिया है और इसे इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी कटिंग करने के लिए. अब मैं यहाँ पे 2 इंच का यहाँ पे नेक मार्क कर रही हूँ और 3 इंच का शोल्डर मार्क कर रही हूँ. 3 इंच से एग्जैक्ट स्ट्रेट मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर लूँगी आर्म होल के लिए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से और यहाँ पे एक कर्व शेप में मैं मार्किंग कर लूँगी और अब मैं इसे कट कर लूँगी. और अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड्स को अलग कर लेंगे इस तरह से. ये मैं फ्रंट साइड का नेक मार्क कर रही हूँ. 2 इंच की डिस्टेंस में मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से और इसे राउंड शेप में मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से और अब मैं इसे कट कर लूँगी. बैक साइड का नेक कट कर लिया है इस तरह से. अब मैं यहाँ पे फ्रंट साइड का नेक कटिंग करने जा रही हूँ वी शेप में. इस तरह की मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी. इस तरह की पट्टी भी हमें वी शेप में कट करके अटैच कर लेनी है गले में. बैक साइड में भी मैंने इस तरह की पट्टी लगा के अटैच कर लिया है. अब मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग कर लूँगी इस तरह से. इस तरह की पट्टियाँ मैंने कट कर ली थी और छोटी छोटी प्लेट्स बना ली थी. स्लीव्स में लगाऊंगी मैं इसे. इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा फ्रॉक में. इस तरह के नेक में मैंने पट्टी लगा ली है. स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं दोनों साइड से. अब मैं फ्लेयर को अटैच करूंगी इस पेटी से. सो फ्रॉक अब रेडी टू वेयर है. नेक की मैंने अच्छी तरह से स्टिचिंग कर ली है. स्लीव्स अटैच हो गए हैं. बैक साइड में मैंने फ्लावर लगाया है.
फ्लेयर को पेटी से अटैच कर लिया है और ये फुल फ्रॉक का लुक है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे घर पे, ये बहुत ही इजी और सिंपल है। सिंपल वे में मैंने इसको बताया है। ये बैक साइड का लुक है, बैक साइड का लुक इस तरह का दिखेगा। और इस तरह के सिंपल एंड ईजी स्टिचिंग एंड कटिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।